नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसके फायदों के बारे में। एक समय भगवान शिव ने वर्षों तक समाधि लगाई। जब समाधि भंग हुई तो उनका ध्यान जगत की ओर आया। कल्याण की कामना रखने वाले महादेव ने अपनी आँखें बंद की, तब उनकी आँखों से आंसू की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। उन वृक्षों पर जो फल लगते हैं वे ही रुद्राक्ष होते हैं। उनके धारण करने से सिद्धि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष श्वेत, लाल, पीले तथा काले वर्ण वाले होते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनने से पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। भस्म रुद्राक्षधारी व्यक्ति के पास भूत प्रेत नहीं आते, उसके पास धन की कमी नहीं रहती। एक रेखा वाला रुद्राक्ष एक मुखी होता है, वह मुक्तिदाता और शिव रूप होता है। दो मुखी शिव पार्वती का रूप है जो इच्छित फल प्रदान करता है। तीन मुखी वाला त्रिदेव रूप है जो विद्या देता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है जो चतुर्विध फल देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष शिव रूप है जो सब पापों को नष्ट करता है। छह मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिक रूप है जो शत्रुओं का नाश करता है। सात मुखी कामदेव रूप है जो धन प्रदान करता है। नौ मुखी नव दुर्गा रूप है। दस मुखी विष्णु रूप है जो कामना पूर्ति करता है। ग्यारह मुखी एकादश रुद्र रूप है जो विजय बनाता है। इस वीडियो में ग्यारह मुखी रुद्राक्ष तक ही बतलाया गया है। इनको धारण करने का मंत्र भी अलग अलग होता है। अगर आप धारण करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक और रोचक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटे का बटन जरूर दबाएं।